मैं बॉलीवुड के खिलाफ बोल के इनके दुश्मन क्यों हूँ और आप मेरे को जानबूझ के करण जोहर से क्यों लड़वाना चाहते हैं, वो मेरा भाई है। न्यूट्रल बात करूंगी, आई लव प्रियंका, शी इज़ माई फ्रेंड, उनकी मॉम भी हमारी फ्रेंड है। तो उन्होंने जब इतनी सारी फिल्में करी, इतने अवार्ड लिए, पिंगा पिंगा गाना किए, इतने सारे फिल्म किए, तभी उन्होंने कुछ क्यों नहीं बोला? शाहरुख जी ने उनको कभी नहीं दोस्त माना था। किसकी बात कर रहे हो? नहीं, प्रियंका तो शाहरुख खान की दोस्त है। अब ख़त्म हो गया, अब यहाँ पे कुछ होना नहीं है, तो फिर यू नो आप किसी पे भी कोई भी इल्ज़ाम लगाते हो तो आई टेल यू करण जौहर ऐसे है नहीं। देखिए हमारी जनता है ना अलग अलग, जैसे पांच उंगलियाँ सेम नहीं होती ना, तो वैसे अलग अलग बटी हुई है। बहुत कोई बहुत प्यार करती है, कोई बहुत प्यार करती है, कोई बहुत बहुत से ज़्यादा प्यार करती है, कोई तो इतना प्यार करती है कि आपको गालियाँ देती है। उम्रा की काफ़ी सारी तस्वीरें, अली गुनी की बाहर आए हैं, आप कुछ बताना? हाँ, मेरा दिल बहुत दर्द हो रहा है, मेरा उम्रा जाना बहुत दिल दुख रहा है और मुझे नहीं जाने मिल रहा है, क्योंकि मैं हिंदू बैकग्राउंड से हूँ और मेरा सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है, और मैंने तो कलमा पढ़ ली हूँ, मैं फातिमा नाम है मेरा, मैं अपने आप को मुस्लिम ही समझती हूँ, मैं नमाज पढ़ती हूँ, मैं रोज़े रखती हूँ, फिर भी मुझे आई डोंट नो। आपकी बातचीत हुई उमर या अली गोनी से? नहीं, इस बारे में उमर से तो मेरे आज उमर 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 आसिम भैया नहीं नहीं मेरे दो अली से मेरी बात हुई बस। लेकिन क्या 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 बात की? दुआ में याद रखना। और मैं सबको वही जो जाते हैं ना एयरपोर्ट पे भी लोगों को देखती हूँ, जो लोग हजारे पकड़ पकड़ के, मुझे दुआ में याद रखना। राखी जी, कल एक बड़ा कमेंट आया था प्रियंका से, जिस तरह उन्होंने बॉलीवुड को लेफ्ट आउट किया। एक और कमेंट आया कि करण जौहर ने उनको काफ़ी सारी मूवीज पे बैन किया क्योंकि वो शाहरुख खान के फ्रेंड है, उस पर आपका क्या कमेंट है? प्रियंका ने कहा कि उन्होंने बॉलीवुड इसके लिए छोड़ा और उसके बाद बड़ी एक्ट्रेस का कमेंट आया है कि उन शाहरुख तो सब लोग अभी क्यों बोल रहे हैं, पहले क्यों नहीं बोल रहे थे? आपका क्या कहना है, ये जो नेपोटिज्म चलती है बॉलीवुड को लेके, क्या आपने कभी फेस किया नेपोटिज्म? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल करण जौहर मेरे ब्रदर है, मुझे किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, मेरे तो अपने खुद के वांदे हैं, है ना। आप मेरे को क्या पकड़ रहे हो? जो सच है वो है, मैं बॉलीवुड के खिलाफ बोल के इनके दुश्मन क्यों हूँ और आप मेरे को जानबूझ के करण जौहर से क्यों लड़वाना चाहते हैं, वो मेरा भाई है। तो प्रियंका चोपड़ा इतना लेट क्यों बोल रही है? पहले जब इतनी सारी फिल्में करती थी तब क्यों नहीं बोली है? फ्रेंकली स्पीकिंग, क्योंकि मैं किसी का साथ ना देकर न्यूट्रल बात करूंगी। आई लव प्रियंका, शी इज़ माई फ्रेंड, उनकी मॉम भी हमारी फ्रेंड है। तो उन्होंने जब इतनी सारी फिल्में करी, इतने अवार्ड लिए, पिंगा पिंगा गाना किए, इतने सारे फिल्म किए, तभी उन्होंने कुछ क्यों नहीं बोला? आज वो US में जाके बस गई है, अब क्यों ये बोल रही है? और बात किसी को क्यों बदनाम करना, है ना, क्यों करना? जब आप, मुझे यही बात समझ में नहीं आती है, पहले भी लोग जिसको यू नो लॉकडाउन था तो एक महिला थी जिनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, शायद मैं उनके शो में जाऊँ, वो हमारी बैंड बजाए, पर हम उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे। वही महिला आप जिसका जिक्र करने की कोशिश? हाँ, तुम चुप रहो जी। उन्होंने ये कमेंट किया है कि करण जौहर ने बैन किया उनको मूवी, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे दोस्त थे शाहरुख खान के। शाहरुख जी ने उनको कभी नहीं दोस्त माना था। किसकी बात कर रहे हो? नहीं, प्रियंका तो शाहरुख खान की दोस्त है। मैं किसी और की बात कर रही हूँ, जो ये नहीं समझेगा। ये तुम अभी है ना, तुम अभी दूध पीते बच्चे हो बेटा। ओहो, तुम्हें पता है, हमने तो सुनाई नहीं देता भाई, हमें को शाम को तो हमको कुछ सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता हमको, सिर्फ सच्चाई है। लॉकअप 2 में आपका नाम सबसे ऊपर। तो देखिए पहली बात यह है कि बॉलीवुड को कोई बदनाम ना करे। यहाँ पे ऐसे ही होता है कि आप आते हो, बर्फी मिठाइयाँ खा लेते हो, कुछ बन जाते हो, और जब आपको ऐसा लगता है कि बस अब ख़त्म हो गया, अब यहाँ पे कुछ होना नहीं है, तो फिर यू नो आप किसी पे भी कोई भी इल्ज़ाम लगाते हो तो आई टेल यू करण जौहर ऐसे है नहीं। अनफेयर हो जाते हैं, करण जौहर को हमेशा टारगेट किया जाता है, करण जौहर को हमेशा टारगेट किया जाता है, ये अनफेयर। देखिए प्रियंका भी आई लव हर अ लॉट, बट इनके आपस में क्या खिचड़ी पक रही है हमें नहीं पता, हमारी दाल नहीं पक रही है मालूम है, है ना। मेरी राय मेथी जीरा सब ले लो,
परिणीति चोपड़ा वाह 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 राघव चड्ढा के साथ परिणीति चोपड़ा की शादी होने वाली है. आई एम सो हैप्पी. चलो एक बहन तो रहेगी इंडिया में. दैट इज रियली नाइस.